नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कुमार म्यूजिक ग्राम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों नमस्कार नमस्कार नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं देख रहा हूं कि आप लोगों की प्रैक्टिस काफी चल रही है और बहुत खुशी होती है कि आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोगों के कमेंट्स भी हमारे पास आते रहते हैं। बहुत सारे लोग आप लोग हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ गए हैं और कुछ कुछ इंक्वायरी करते रहते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी हारमोनियम की जो क्लास है वो 7 तारीख से 7 जुलाई से शुरू हो रही है, तो जिनको भी एडमिशन लेना हो वो आप ले सकते हैं। उसके पहले ये ग्रुप में क्लास होगी, और जब भी होगी तो ये बेसिक स्टार्टिंग से होगी सबों के लिए, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं अभी आपको बताना चाह रहा था, जो कुछ एडवांस में लोग हैं जो काफी थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, उनके लिए मैं बहुत अच्छा ट्रिक मैं अभी बताने जा रहा हूं। इसको आप जरूर देखें, जरूर समझें। जो एडवांस में चले गए हैं उनके लिए खास करें, वैसे सभी लोग देखें, बड़े काम की चीज है ये। गाने वाले भी देखे, हारमोनियम बजाने वाले भी देखे, कीबोर्ड बजाने वाले भी देखे, सबों के लिए है, ऑल इन वन है ये बिल्कुल। एक्चुअली स्वर को कैसे समझ पाएंगे, स्वर पे हमारा ध्यान कैसे जा पाएगा, स्वर को कैसे हम ऊपर की दूरी पर है वो समझ पाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है ये। तो इसमें मैं ये कह रहा हूं कि इसमें आवाज, जैसे आवाज कहां उछल कर चला गया, जंप कर चला गया, आवाज अचानक से कहां चला गया, तो उसको कैसे पकड़ेंगे, उसको कैसे समझेंगे, तो उसके लिए मैं आज ये गाने में ऐसा होता है, गाना तो उस सीरियल से सारे गामा पधा निसा से होता नहीं है, गाना कुछ भी हो जैसे होता है हो, हो, हो। अब ये कहां था कहां चला गया, है ना, हो हो। तो इस तरह से तो आप कैसे पकड़ पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे, तो उसी के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा सा, बहुत आसान सा एक अलंकार बता रहा हूं, जिसको आप करें बहुत दोस्तों फायदा हुआ। तो आइए देखते हैं उसको करना कैसे है। तो दोस्तों देखिए क्या है इसमें, बहुत अच्छी सी चीज है। हम लोग क्या करेंगे, देखिए बड़े ध्यान से इसको समझिए, मैं धीरे धीरे बता रहा हूं, और पहले मैं बजा कर दिखाता हूं, बाद में इसको आप गुनगुनाएंगे भी। कैसे देखिए, ये सारे सा, सबको मैं दो दो बार कर रहा हूं, इसको अभी आपको लग रहा हो कि ये क्या है, लेकिन जब आप गाएंगे गुनगुनाएंगे तब आपको लगेगा कि ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि गाने के अंदर ही आपको मिलेगी। कैसे देखिए, मैं सारे सा नहीं बोलता हूं, मैं आ में करता हूं, असेंडिंग ऑर्डर में हुआ। अब देखिए इसका फायदा क्या है, गाना कुछ भी रहा
है ना, होता है ना गाना। तो इस तरह से आप इसको कहीं से भी गाना रहेगा, आप उसको जम करके स्वरों को समझ पाएंगे। अब मैं लौटने का आपको करके दिखाता हूं, मैं एक एक बार करता हूं उसको, फिर दो दो बार नहीं करता हूं। देखिए लौटने बहुत टेढ़ी चीज है। गाने में क्या होता है, आप करते हैं ना, या ऐसा भी करते हैं, दोनों तरह से है ना। यानी कि आवाज कहीं भी भागे, कहीं से कहीं, आप उसको बड़े आराम से पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। गाना कोई भी होता है, यहां से जैसे ये गाना है, यहां से यहां गया, बातें कभी ना, तो यहां से यहां चला गया। तो अगर आपको ये आइडिया नहीं रहेगा कि स्वर का जंपिंग कैसे है, वो कहां जाएगा, तो आप गाना निकाल नहीं पाएंगे। आप क्या करेंगे, ऐसे ढूंढते रहेंगे, जबकि ऐसा तो है नहीं। ऐसा है ये, है ना। तो आप इसको ऐसे ढूंढेंगे, तो ये जंपिंग का आपको आइडिया रहेगा, तभी आप इसको ढूंढ पाएंगे। इसलिए आवाज जल्दी पकड़ लेंगे दोस्तों। तो इस तरह करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, आप इसको जरूर करें। तो दोस्तों आप इस बात को समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह, ये बहुत काम की चीज है दोस्तों, बहुत कीजिए इसको, बहुत अच्छे से, बहुत मन लगाकर कीजिए, गाना निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनों को शेयर करें। दोस्तों फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।